हेलो स्टूडेंट, योर मोस्ट वेलकम सन जोसफ ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट 7 एक्सरसाइज 1 है बेटा। देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे हैं जो आपके लेसन प्लान के अनुसार हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? डू द फॉलोइंग कैलकुलेशन, डू द फॉलोइंग कैलकुलेशन, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनका कैलकुलेशन करिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 × 9, 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 9 को हम 9 राउंड जो है, जब टेबल पढ़ेंगे 9 का 9 राउंड, तो जो है हमको इसके आंसर मिलेंगे। तो चलते हैं, तो 9 9 जा क्या होता है बेटा? 81 होता है। 9 9 जा 81, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 81, क्योंकि इसके बगल में कोई और संख्या नहीं है तो हम 81 लिखेंगे। ओके बेटा, अब चलते हैं 15 × 2, 15 × 2, 15 का मल्टीप्लाई 2 से होना है। तो चलते हैं 2 का टेबल पढ़ेंगे सबसे पहले 5 राउंड, तो 2 5 जा बेटा, 2 5 जा 10, 10 के देखिए 2 5 जा 10, ये संख्या 1 है बेटा, ये 10 है। ओके, ये 1 है, ये 10 है, तो 2 5 जा 10, तो 10 के हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये संख्या 1 है और ये 10 है। ओके बेटा, जो 10 आया 2 5 जा 10 करने पर, तो ये संख्या क्या आया? 1 और 10, मतलब ये 10 आया। तो हम इस संख्या को 1 के नीचे लिखेंगे, ये संख्या किसके नीचे लिखेंगे? 1 के नीचे। ओके बेटा, और ये संख्या जो 1 है किसके पास चली जाएगी? 10 के पास चली जाएगी। 1 किसके पास चली जाएगी? 10 के पास चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं बेटा, 10 को हम 10 में ही जो ऐड करेंगे, 10 को हम 1 में नहीं लिखेंगे। ओके बेटा, तो अब यहाँ क्या होगा? 10 1 जा 2 1 जा 2, और 1 जो 1 उसने जो है बगल में दिया था, तो 2 1 जा 2 और 1 3। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? अब इसको चलते हैं देखते हैं बेटा, 2 0 0। ओके बेटा, इसके पास कुछ है नहीं, 0 है, तो इसको हम 0 कर देंगे। 5 0 0 5 2 जा 10, तो देखें इसके बगल में कोई संख्या 100 की है ही नहीं है, तो हम फिर 10 के 10 कर देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। अब चलते हैं 2 0 0 और 2 4 जा 8, अब 8 क्या है बेटा? सिंगल डिजिट है ना, तो सिंगल डिजिट में कैरी होता ही नहीं है। ओके, फिर अब चलते हैं 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा बेटा 8। ओके, 9 0 0 0, 9 1 जा 9। ओके बेटा, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, है ना। बस इतना आपको ध्यान देना होगा कि जब जो है कोई डबल डिजिट की संख्याएं आपको मिलती हैं, तो उसमें 1 को 1 के स्थान पर लिखा जाता है, 10 को 10 के स्थान पर लिखा जाता है। फिर जो आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर डबल डिजिट मिलता है, तो 10 को 10 के स्थान पर और 100 को 100 के स्थान पर कर दिया जाता है। ओके बेटा, अब चलते हैं, क्वेश्चन जी कह रहा है डिवाइड करना है इसको आपको, है ना। सिग्न क्या कह रहा है? डिवाइड का सिग्न है, तो 6 जो है 42 को डिवाइड करना है किससे? 6 से डिवाइड करना है, है ना। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 42 से के आसपास जाए या 42 आए। ओके बेटा, तो जो है 6 6 जा 36 हो जाएगा, कम होगा बेटा, 6 से बन जा देखेंगे, तो 6 से बन जा क्या होगा? 42 होगा, 6 से बन जाए 42, तो 6 से बन जा कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ जाएगा, 42 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ओके बेटा, तो आपका क्वांटम कितना आ गया? क्वांटम आपका 7 आ गया। रिमाइंडर कितना है बेटा? रिमाइंडर आपका 0 है। रिमाइंडर क्या है बेटा? 0, क्योंकि कुछ बचा नहीं, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको चलते हैं 9 का टेबल पढ़ेंगे, 81 से अधिक ना हो, तो 9 9 जा बेटा, 9 9 जा 81। ओके बेटा, देखेंगे 1 सब्ट्रैक्ट 1 0, 8 सब्ट्रैक्ट 8 0। ओके, तो ये 0 हो गया, तो इसमें क्वांटम कितना आ गया बेटा? क्वांटम इसमें 9 आ गया, और रिमाइंडर कितना आया? 0 आ गया, क्योंकि 0 है बेटा, है ना। अब चलते हैं 8 का टेबल पढ़ते हैं कि 64 से अधिक ना हो, तो 8 8 जा 64 8 8 जा 64। ओके बेटा, तो 4 सब्ट्रैक्ट 4 इक्वल 0, 6 सब्ट्रैक्ट 6 इक्वल 0, तो आपका क्वांटम कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। ओके, अब चलते हैं
फोर का टेबल पढ़ते हैं कि 44 है ना, 44 को 4 से डिवाइड, तो 4 बन जा 4 हो गया बेटा, है ना, 4 सब्ट्रैक्ट 4 इक्वल 0। अब किसको उतारेंगे, बगल में एक 4 और है, तो अब इसको उतारेंगे इसके बगल में, ओके बेटा, तो फिर 4 बन जा 4 ले जाएंगे, 4 बन जा 4, 4 सब्ट्रैक्ट 4 इक्वल 0, क्वांटेंट कितना आया बेटा, क्वांटेंट आया 11, ओके बेटा, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छे ढंग से आपको। अब चलते हैं 18 को डिवाइड करना 3 से, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि जो है 18 के आसपास समझाएं, तो 3 सिक्स 18, तो 18 करते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट 8 0, 1 सब्ट्रैक्ट 1 0, ओके बेटा, तो क्वांटम कितना आ गया 6 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 0 आया, ओके बेटा। अब ये क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, 33 को आपको जो है डिवाइड करना है 3 से, ओके बेटा, तो इसमें भी देखेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 बन जाए 3, ओके, 3 सब्ट्रैक्ट 3 इक्वल 0। अब किसको उतारेंगे, इसके बगल में एक संख्या और है वो भी उतरेगी, है ना, तो 3, अब फिर 3 बन जा ले जाएंगे बेटा, 3 बन जा 3 0, तो क्वांटम कितना आ गया बेटा, क्वांटम आ गया 11 और रिमाइंडर 0, ओके। तो क्वांटम मिस होता है बेटा भागफल, क्वांटम मिस क्या होता है, भागफल होता है, और रिमाइंडर मिस क्या होता है, शेषफल होता है, जो हमको लास्ट में शेष बचता है वो रिमाइंडर हो जाता है, और जो हम जिस भागफल जो होता है जिसको हम भाग देते हैं, है ना, उसका जो परिणाम आता है वो भागफल होता है, ओके बेटा। अब चलते हैं इसके तरफ, क्वेश्चन 19 की तरफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल 78 पिज्जाज इन अ डे, एक दुकानदार जो है 78 पिज्जा को एक दिन में बेचता है ना, एक दुकानदार है वो पिज्जा बेचता है, तो कितना पिज्जा एक दिन में बेचता है, 78 पिज्जा बेचता है बेटा, कितना बेचता है, 78 पिज्जा एक दिन में बेचता है, तो फिर कह रहा है कि हाउ मेनी पिज्जा विल ही सेल इन ये 9 डेज, तो कितना पिज्जा बेचेगा एक दिन में, जब जो है 78 पिज्जा बेचता है तो 9 डेज में 9 दिन में कितने पिज्जा बेचेगा, 9 दिन में कितने पिज्जा बेचेगा, तो स्वाभाविक से एक दिन में वो 78 जो है बेच रहा है, तो 9 डे में, तो हम स्वाभाविक सी बात है बेटा कि 78 को 9 से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 12 सेल पिज्जा बराबर 78, ओके बेटा, 12 एक दिन में बेचा गया पिज्जा कितना होगा बेटा, 78, है ना, तो जो है 78, देखे एक दिन में बेचा गया पिज्जा कितना था बेटा, 78, तो फॉर ये 9 डेज जो है 78 × 9 हो जाएगा, 78 × 9, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना, कर भी सकते हैं क्योंकि ऐसे लिखने में आपको आसानी होता है, तो हम ऐसे भी बताएंगे और इस प्रकार करके भी आपको मल्टीप्लाई हम बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे, तो 9 × 8 = 72 कैरी आया 7 × 9 = 63, है ना बेटा, और 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो कितना पिज्जा वो जो है 9 डेज में बेचा, 702 पिज्जा, कितना बेचा बेटा, ओके, योर आंसर। अब ऐसे मल्टीप्लाई हम आपको करके बता दे रहे हैं, ऐसे कैसे करेंगे, 9 × 8 = 72 और 63 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा,
ओके तो देखें यही आंसर आएगा क्या नहीं आया, 702 आया। ओके तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आसानी के साथ समझ सकते हैं। ओके बेटा, और जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर और आगे इसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तब तक के लिए बेटा गुड आफ्टरनून।